सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू क्लासी फ्लेवर्स एंड आई एम योर फूडी फ्रेंड जेसिका। और आज हम बनाएंगे चावल के पकौड़े। दोपहर में हम दाल चावल बना लेते हैं और फिर शाम को हमारा कुछ चटपटा चाय के साथ खाने का मन करता है, उसी चावल को यूज करके हम बनाएंगे चावल के पकौड़े जो कि चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। एक बड़े बाउल में डालेंगे एक कप लेफ्ट ओवर राइस, बचे हुए चावल, आधा कप बेसन, फ्रेश धनिया कटा हुआ, एक हरी मिर्च कटी हुई, एक मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, एक छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच अजवाइन पाउडर, लहसुन का रस एक छोटा चम्मच। अब इसे राइस को मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये मिक्सचर को ज़्यादा ना गाढ़ा रखेंगे ना ही बहुत ज़्यादा पतला, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। में आधा कप पानी लग गया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी गई। अब इसे फ्राई कर लेंगे। पहले तेल को गर्म कर लेंगे, फिर आंच को हल्का कर देंगे। इसमें बेसन और हल्दी है जो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म पकौड़े बनकर तैयार हैं।